देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मनीषा यादव डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के साथ। प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ स्टेशन पर तत्काल टिकट कराने को लेकर यात्रियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आपको ले चलते हैं प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन की ओर, जहां लगातार तत्काल टिकट को लेकर हो रही धांधली की शिकायत मिलने पर जब मीडिया की टीम ने मौके पर जाकर यात्रियों से स्टेशन का हाल जाना, वही तत्काल टिकट के नंबर को लेकर यात्रियों में स्टेशन के कर्मचारियों के प्रति भारी आक्रोश देखा गया, जहां लोगों ने यह कहा कि कुछ माफिया किस्म के लोग टिकट की दलाली का कार्य स्टेशन पर करते हैं, जिसके चलते लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। वही यात्रियों ने मांग किया कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। छोटू इधर आ, मिल गया टिकट तुमको? हाँ मिल गया। तो कौन सा नंबर मिला है? पहला नंबर। अच्छा, कब आए थे? कब आए थे तुम? शाम को 5 बजे। 5 बजे हमको तो यहाँ मिले। यहाँ पे 5 बजे यहाँ पे हैं? यहीं पे थे। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? पुणे जाओगे? टिकट देखे तुम्हें? टिकट अंदर बनाया अभी। अच्छा, बना के टाइम लगेगा देने में? अच्छा, कितने लोग हो? कितने लोग? 4 लोग। कौन कौन? नाम बताओ। नाम बताओ। 4 लोग। नाम बताओ कौन कौन? नाम नहीं पता। क्यों, तुमने टिकट बनवाया, तुम्हें नाम नहीं मालूम? टिकट बनवाया, आधार कार्ड, नाम लिख के दे दिया। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? जसरा। जसरा से आए हो यहाँ टिकट बनवाने? आधार कार्ड लिए हो? आधार कार्ड लिए हो? हाँ। क्यों? बिना आधार कार्ड के तुम्हारा काम हो रहा है? बताइए, आप जो यहाँ पर आए हुए हैं टिकट कराने शंकरगढ़ प्लेटफॉर्म पर, तो आप यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं? अरे हम तो 4 बजे आए हैं। नहीं, कल शाम को आप आए थे? शाम को हमारे 7:30 बजे। 7:30 बजे? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आप यहाँ चले गए कि बैठे? हाँ, रहे यहाँ पे? अच्छा, 9 बजे तक था, हम यहाँ रहे। अच्छा, फिर उसके बाद आप? हाँ, फिर चले गए। अच्छा, फिर कितने बजे आए आप? 10:30 बजे। 10:30, 1 घंटे मतलब आप यहाँ लौट आए। हाँ। फिर क्या हुआ आगे? पर्ची की पूरी बात, पूरी रात आप यहाँ थे? नंबर लगाया था। पूरी रात आप यहाँ थे कि नहीं थे? हम रात भर रहे। कहाँ पे थे? ये पहले रहे। सो रहे थे? अच्छा, जागते थे, कहाँ सोए थे? अच्छा, सोए नहीं। हाँ, बहुत कम। फिर उसके बाद सुबह से आप लाइन में कब से लगे? लाइन में कब लगे? तो आपको कौन सा? 8 बजे। आपको कौन सा नंबर मिला यहाँ पे? दूसरा नंबर मिला। काहे दूसरा क्यों मिला? क्या बताएं आप? क्या आपके आपके साथ कोई पहले एक नंबर लेने वाला था? नहीं रहा, पहले से नंबर दे दिया लड़का रहा। अच्छा। हाँ, तो आपने वो पहले नहीं था। अच्छा, वो था ही नहीं? हाँ। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत स्टेशन मास्टर वगैरह से नहीं की? हम नहीं किया। अच्छा, तो क्या आप मांग करना चाहेंगे मोदी सरकार, योगी सरकार से? अरे कि या ना हो, हमें काटते हैं। क्या धांधली हो रही है? हाँ। शंकर प्लेटफॉर्म पे? ओके। अच्छा, आपका नाम? हरिलाल। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है यहाँ जो रिजर्वेशन, जो शंकरगढ़ का रिजर्वेशन काउंटर है, यहाँ पर आप कितने बजे आए हुए हैं? यहाँ मैं सुबह 4 बजे से खड़ा हूँ। जी, ठीक है। और यहाँ धांधली हो रही है? जी। यहाँ पर एक अंकल थे जी, जो जिनका फर्स्ट नंबर था एसी का। जी। लेकिन उनसे पहले 3-4 लोगों ने टिकट बुक कराया, ठीक, धांधली के जरिए। जी, ठीक है। यहाँ पर एक दलाल था जो कि पैसे 200-250 जिससे जितना हो सकता है। देखने में कैसा था वो? मोटा सा आदमी था जी, ठीक है, सांवला आदमी था जी, वो पैसा लेता है। अंदर उसकी पहचान है, पकड़ है अधिकारियों के साथ में। कहाँ पर? यहाँ पर। हाँ, यही अंदर स्टेशन के अंदर। स्टेशन के अंदर। अच्छा, वो प्रॉपर सुबह उसका काम ही है। 8 बजे आएगा जी, अंदर बात करेगा, बाहर लोगों से मिलेगा, पैसे लेगा जी, और उनका नंबर पहले लगवाएगा, उनकी टिकट बुक करवाएगा। अच्छा, बुक करवा के चला जाता है। तो यही काम है इसकी, शिकायत या इसकी? 4-5 दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ उसको। अच्छा, 4-5 दिन से आप दौड़ रहे हैं? ऑलरेडी 2 बार टिकट करवाने आया था जी, तब भी मैंने इसका सेम वही काम था, आज उसने वही किया जी, आज भी वही किया उसने। तो इसको लेकर आप क्या DRM प्रयागराज से या रेलवे प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से यही विनती करता हूँ कि जो भी सख्त कदम उठाया जा सकता है इस प्रशासन, ये जो व्यवस्था है इसके खिलाफ, वो सरकार को उठाना चाहिए, जो भी अधिकारी हैं उनको उठाना चाहिए जी। आपका शुभ नाम? हमारा नाम अमन द्विवेदी है। कहाँ से सर? हम इंदौर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से टिकट लिए मर रहे हैं।